प्रिय मित्रों, मैं आज आपके सामने एक 6 यूनिट का अलग क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। एक तो जो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है, राइट डाउन द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट जोन्स इन द ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, या तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन अबाउट ब्लास्ट फर्नेस रिएक्शन। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लास्ट फर्नेस होता है, इस ब्लास्ट फर्नेस की जो हाइट होती है वह लगभग 25 से 30 मीटर हाइट होता है और इसका डायमीटर 8 से 10 मीटर तक होता है। इसके निचले बॉटम से हॉट एयर को सप्लाई किया जाता है और जो टॉप पोर्शन है वहाँ पर हुपर लगा हुआ होता है और उसके द्वारा उसके अंदर कैल्सिनेटेड ओर, कोक और लाइम स्टोन तीनों को मिक्स करके उसके अंदर डाला जाता है। अब यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर रिएक्शन होता है, तो इसको 4 जोन में डिवाइड किया गया है। एक है कंबसन जोन, दूसरा है यहाँ पर स्लैग फॉर्मेशन जोन, उसके बाद यहाँ पर रिडक्शन जोन और उसके बाद फ्यूजन जोन। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूँ, कंबसन जोन ये वहाँ पर होता है जहाँ पर कि हॉट एयर इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर नियर अबाउट 2200 केल्विन के आसपास होता है। जब हुपर से इन मिक्सर को डाला जाता है तो ये निचले हिस्से में आकर कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और फिर जब यह कार्बन डाइऑक्साइड ये ऊपर उठता है तो फिर ऊपर से आने वाले कार्बन के साथ ये दोबारा रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके यह कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो ये जो काम होता है यह कंबसन जोन में होता है। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं, मैं केवल यहाँ पर समझाने का काम कर रहा हूँ। कंबसन जोन के ठीक ऊपर यानी कि ब्लास्ट फर्नेस के बीच वाला पोर्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल जोन, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और इस जोन में जनरली क्या होता है कि जो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइम स्टोन डिकम्पोज होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यह कैल्शियम ऑक्साइड एज ए फ्लक्स यूज होता है और यही फ्लक्स इस ओर के अंदर प्रेजेंट सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके यह कैल्शियम सिलिकेट बनाता है और इसी कैल्शियम सिलिकेट को स्लैग कहा जाता है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इम्प्योरिटी और इन दोनों के रिएक्ट करने पर यह बना लेता है स्लैग। उसके बाद जो रिडक्शन जोन होता है यह ब्लास्ट फर्नेस का सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है, यहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम होता है और यहाँ पर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करता है। देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन को मैं आपको थोड़ा इस तरीके से दिखा दूँ कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 Fe2O3 + CO, इट गिव्स 2 Fe3O4 + CO2। अब यहाँ जो आपको Fe3O4 मिला
यह अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके यह फेरस ऑक्साइड बना लेता है FeO और CO2। और ये जो फेरस ऑक्साइड है फर्दर इसका रिडक्शन होता है FeO प्लस CO और फाइनली यहाँ पर पिग आयरन बनाता है प्लस CO2। देखिए यदि आप इसे इस तरीके से याद करना चाहें तो अच्छी बात है, यदि इस तरीके से याद ना हो सके तो आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें, जैसे मैं आपको इस नोटबुक के ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर इन तीनों इक्वेशन को लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए टू मॉलिकल्स ऑफ Fe3O4 है और यहाँ पर वन मॉलिकल Fe3O4 है, तो आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर 3FO4 है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 6FeO हो गया, यानी ये जो फेरस ऑक्साइड है अब इसके 6 मॉलिकल्स हो गए, और जबकि आपके पास यहाँ पर फेरस ऑक्साइड 1 मॉलिकल है तो यहाँ पर इसे आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखिए इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं, यह इसको कट करेगा और ये इसको यहाँ पर इसने कट कर दिया। अब आपको यहाँ पर मिलता है 3 Fe2O3 प्लस, देखिए 6 कार्बन मोनोऑक्साइड ये हो गया, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड ये हुआ 8 और 1 कार्बन मोनोऑक्साइड ये है, तो ये तीनों चूंकि सेम साइड में है तो ये हो जाएगा 9 कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपके पास यहां पर क्या मिलता है 6 आयरन 6 Fe प्लस, अब उसी तरीके से 6 कार्बन डाइऑक्साइड 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 1 कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर आपको मिला 9 CO2। अब इसमें देखिए 3 कॉमन लिया जा सकता है, यदि आपने यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया तो आपको मिलता है यहाँ पर Fe2O3 प्लस यहाँ पर 3 CO। अब ये जो 3 कार्बन मोनोऑक्साइड है इसने यहाँ से 3 ऑक्सीजन लिया और आपको यहाँ पर मिल जाता है 2Fe प्लस 3 CO2। तो आप इस जोन में सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, यदि ये आपको कंप्लीट लर्न नहीं हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, इस चीज को आप इस तरीके से याद रखें। आपका और Fe2O3 है, इसके अंदर 3 ऑक्सीजन है, आपने 3 कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, इसने 3 ऑक्सीजन लिया और ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और ये हमारे पास 2 आयरन मिला, इसी को कहा जाता है पिग आयरन। ये समझ में आ गया। अब ये जो पिग आयरन है यह मेल्ट हो करके कहाँ चला जाता है, फ्यूजन जोन में। तो अब यहाँ पर आप इस बात को लिख सकते हैं कि दिस इज द जोन जस्ट एबव कंबसन जोन, द टेम्परेचर रेंज बिटवीन दिस द स्पंजी आयरन मेल्ट एट दिस टेम्परेचर एंड कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द हर्थ, हर्थ मीन्स फर्नेस, द स्लैग फ्लोएट ओवर दिस मोल्टेन आयरन। और याद रखिएगा कि ये जो स्लैग बना था इस स्लैग का डेंसिटी आयरन की डेंसिटी से कम होने के कारण पिघले हुए आयरन के ऊपर यह फ्लोएट करते रहता है। इसका एक बेनिफिट और भी होता है कि आयरन और ऑक्सीजन को यह डिसकनेक्ट रखता है। यदि यह स्लैग यहाँ पर नहीं होता इस जोन में तो यहाँ पर क्या होता कि ये दोबारा ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता,
मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ, यही अपना ब्लास्ट फर्नेस है, ये हमारा कंबसन जोन हो गया, यह स्लैब जोन हो गया, स्लैब फॉर्मेशन जोन, और ये रिडक्शन जोन हो गया, और यहीं पर यह मेल्ट होकर के यहाँ पर कलेक्ट होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मोल्टेन आयरन है, ये जो देख रहे हैं ये वाइट वाला पोर्शन, आप इस ब्लैक को ना समझें, इस वाइट वाले डॉटेड को, और इसके ऊपर आपको और एक वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है जहाँ पर कि यह स्लैग है। अब आपको साफ नज़र आ रहा होगा, देखिए ये स्लैग हो गया और ये मोल्टन आयरन हो गया। तो मुझे लगता है कि ये आपके समझ में आ गया होगा, और जनरली यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपके समझ में आ गया हो तो आप इसे लाइक करें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आपका कोई निजी प्रॉब्लम हो तो आप वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।